हेलो एवरीवन। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इट इज न्यूमेरिकल्स ऑन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैंने ऑलरेडी व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, तो ये क्या है मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है और जो उसकी पोजिशन है किसी इंस्टेंट वो इस रिलेशन से दी हुई है, इट इज द रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड टाइम फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। आपको पता करना है मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस ओरिजिन और इनिशियल एक्सेलरेशन। तो वी हैव थ्री क्वेश्चंस, ये तीनों चीजें हमें पता करनी है। अगर x इज इक्वल टू 3t² - t³ रहा हो किसी पार्टिकल के लिए जो पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, तो एक बार न्यूमेरिकल आप नोट कर लें, मैं देखता हूँ सोल्यूशन क्या आएगा इसका, है ना। तो चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं इसका, देखते हैं ये सॉल्यूशन सॉल्यूशन में क्या रहेगा। अब इसके एक्स इज इक्वल टू क्या था आपके पास 3t² - t³। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी भाई, dx/dt इट विल बी 6t - 3t² एंड एक्सेलरेशन विल बी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जो आएगा इट विल बी 6 - 6t। कहाँ से वही डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का 6 आ जाएगा और t² की पावर आ गया, ये 3 * 6 और t बच जाएगा। यहाँ से x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v मिल जाएगा और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफ्रेंशिएशन मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। ये आ गया अपने पास v और a। अब आपको एक बात ध्यान से समझनी है, जो पार्टिकल था इनिशियली पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस, कैसे पता चला मुझे अगर हम देखें t = 0 पे। पहले आपको बात समझनी है उसके बाद सोल्यूशन आसान है। t = 0 पर जो x आ रहा है वो 0 आ रहा है, जो वेलोसिटी आ रही है वो भी 0 आ रही है, क्लियर है। और एक्सेलरेशन क्या था भाई इसका, प्लस का है। तो पार्टिकल कहाँ पर है, t = 0 अगर हम यहाँ मानते हैं तो पार्टिकल ओरिजिन पे है, ठीक है, ये पार्टिकल अपना। तो पार्टिकल ओरिजिन पे था स्टार्टिंग में। अब आप ध्यान से देखो t = अगर हम 1 लेते हैं तो t = अगर हम 1 लेंगे तब भी x क्या आएगा, x आएगा आपका पॉजिटिव, 3 - 1 तो 2 आ जाएगा, पॉजिटिव 2 आ रहा है। और वेलोसिटी क्या रही है भाई, वेलोसिटी आपकी आ रही है 3, ये भी पॉजिटिव आ रही है। तो स्टार्टिंग में जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है, अब ध्यान दें आपको वेलोसिटी जब पॉजिटिव होगी इट मींस पार्टिकल मूव अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जब वेलोसिटी नेगेटिव होगी इट मीन्स पार्टिकल मूव अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, ये आपको ध्यान रखना है। वेलोसिटी पॉजिटिव कैसे हो करेगी कि पार्टिकल चल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लो, और नेगेटिव कैसे हो करेगी, पार्टिकल चल रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के लो, ये नोट कर लो आप। अब देखते हैं भाई कि कुछ देर बाद पार्टिकल इस पर नेगेटिव भी होने वाली है इस वैल्यू में, अगर यहाँ पर हम टाइम पुट करेंगे तो हमेशा भी प्लस का नहीं आएगा, एक इंस्टेंट बाद भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव भी हो जाएगा। जैसे t = 4 के लिए रख के देखिए आप, तो t = 4 के लिए अगर हम रख के देखें तो v = क्या जाएगा अपने पास, v = आ जाएगा आपका 6 * 4 = 24 और 4 * 4 = 16 ना यहाँ पे, और 16 * 3 = 48 है ना। तो इसका मतलब नेगेटिव मिल रही है वेलोसिटी हमें t = 4 पे, तो t = 4 पर वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका मतलब स्टार्टिंग में तो पार्टिकल चल रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग और कुछ देर बाद वो चलना शुरू कर देगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग। देखिए यहाँ पर चल रहा है, इसके बाद इसकी स्पीड धीरे धीरे कहीं ना कहीं जाकर कम भी होगी, और जहां पर कम होकर 0 हो जाएगी, मान लीजिए वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई, तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिवर्स आ जाएगा, अभी चल रहा था ऐसा और अभी चलना शुरू कर देगा ऐसा, इसकी वेलोसिटी इसकी वेलोसिटी। देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब आएगा, ये जहां पर ये 0 हुआ है, देखिए यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। अब इसके बाद जब वापस लौटेगा तो मान लीजिए कुछ देर बाद ही पार्टिकल यहां पर आ गया इस जगह पर,
डिस्प्लेसमेंट क्या बचा, ये तो बचा डिस्प्लेसमेंट, ये कम हो गया ना पहले से, और इधर आएगा तो और कम होता जाएगा, फिर पार्टिकल ओरिजिन पर आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वापस जीरो हो जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें चाहिए था पॉजिटिव मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो कब मिल रहा है, जब वेलोसिटी जीरो हो गई है, और उसके बाद तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, इसका मतलब वो उल्टा चलना शुरू कर देता है। तो पार्टिकल जहां तक जा रहा है एक सीधी लाइन पे, वहां तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आएगा, जब रिवर्स कर जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट वापस कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वो इंस्टेंट जब वेलोसिटी हो गई है जीरो, ठीक है, उस इंस्टेंट पार्टिकल कहां पर है, वही आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्लियर है बात? तो अब हम नंबर ए सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, तो ये बात आप लिख लें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विल बी मैक्सिमम व्हेन एट द इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो, ठीक है भाई, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो। तो अब हम निकालते हैं वेलोसिटी जीरो कब आएगी। तो अगर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन देखिए तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, तो यहां पर आ जाएगा 60 माइनस 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 60, तो यहां से जो आपका टी आ जाएगा इट विल बी 2। 2 सेकेंड बाद वेलोसिटी जीरो हो गई थी, तो 2 सेकेंड तक ये एक ही डायरेक्शन में चलता रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा। अब देखते हैं एट टी इज इक्वल टू 2, यहां तक नोट कर लिया आपने, जिसको मैं रेस कर देता हूँ, चलिए घर लेता हूँ, एट टी इज इक्वल टू 2, एक्स कितना आएगा, एक्स आपका आ जाएगा 3 × 4 और -8, तो 4 आ गया, यानी जो पार्टिकल की पोजिशन है वो कितनी है, 4। देखिए इनिशियली पार्टिकल कहां पर था, जीरो पर था, टी बराबर पर पार्टिकल कहां पर था, ओरिजिन पे था, और टी इज इक्वल टू 2 पर पार्टिकल कहां पाया जा रहा है, एक्स बराबर 4 पे, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, ये तो डिस्प्लेसमेंट है, तो 4 - 0 इज इक्वल टू आ गया 4 मीटर। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट जो कि मैक्सिमम है। इसके बाद पार्टिकल इधर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, मान लीजिए पार्टिकल कुछ देर बाद यहां जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर माइनस में चला जाएगा। तो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो यही आएगा। तो आपको बात अपनी समझ में आ गई होगी। तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन तो अभी वही रहेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैंने कहा था आपको निकालनी है, ए पार्ट हो गया, अब कर लेते हैं बी पार्ट। अब आपको निकालना है वेलोसिटी कब, जब पार्टिकल ओरिजिन को क्रॉस करेगा। अब ओरिजिन को क्रॉस करने का मतलब उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, जीरो। बी पार्ट देख लेते हैं, तो बी पार्ट में क्या है भाई, व्हेन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, तो क्या जीरो होगा, उसकी पोजीशन जीरो हो जाएगी, एक्स जीरो हो जाएगा। अगर एक्स जीरो है तो इसका मतलब 3t² - t³ जीरो है। अगर इस इक्वेशन से देखें तो यहां से हमें क्या मिलेगा, टी इज इक्वल टू, देखिए यहां से मिलेगा, आप कॉमन ले लीजिए भैया टी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा 3t - 1, 3 - t ये मिलेगा। तो यहां से दो कंडीशन आती है, तो t बराबर 0 होना चाहिए या फिर t बराबर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो 0 पर तो स्टार्ट हुआ ही था मुझसे, तो था ही, अब t इज इक्वल टू 3 पर फिर वापस ओरिजिन पे, इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ है, पूरा मोशन समझने की कोशिश करेगा हम लोग। तो t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां था, ओरिजिन पे था, फिर t इज इक्वल टू 2 पर कहां था, 4 पे था, और t इज इक्वल टू 3 पर टाइम 3 हुआ तो वापस ही कहां गया, तो स्टार्टिंग में इधर मूव कर रहा था, ऐसे मूव कर रहा था पार्टिकल, फिर इधर मूव करके कहां पर आ गया, वापस ओरिजिन पर आ गया। तो t इज इक्वल टू 3 पर ही वापस ओरिजिन पे पाया जाएगा, और t इज इक्वल टू 0 पर भी कहां था, ये ओरिजिन पर ही था, ठीक है। ये नीचे इसलिए बनाया था, वहां पर हम बार बार बनाएंगे तो एक ही पार्टिकल हो जाएगा, तभी मानिए ये पार्टिकल फिर वापस लौट के यहीं पर आ गया, ओरिजिन पे आ गया, ठीक है। तो
अब जब ये ओरिजिन पे दोबारा आया है तब टाइम क्या है, थ्री, तो उस समय वेलोसिटी क्या है इसमें पुट कर दीजिए ना, तो जब वापस लौट कर आएगा तब की बात कर रहा है, इनिशियल की बात नहीं कर रहा है, इनिशियल तो था ही वो ओरिजिन पे, तो वापस जब लौट के ओरिजिन पे आया तब उसकी वेलोसिटी क्या है, तो वापस कब लौट के आया जब टी इक्वल टू थ्री हो चुका है, तो वेलोसिटी क्या जाएगी अब इस समय, सिक्स इंटू थ्री माइनस थ्री इंटू नाइन, तो सिक्स थ्री जा हो गया भैया 18 और नाइन थ्री जा हो गया 27, तो कितना आ गया देखने को वापस से, सिक्स थ्री जा 18 और थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन थ्री 27, तो ये आपका जाएगा नाइन माइनस का, अच्छा माइनस का नाइन क्या बता रहा है कि जो वैल्यू है वेलोसिटी की, मॉड ऑफ वेलोसिटी कितना है नाइन है, और डायरेक्शन क्या है अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये बताना चाह रहे हैं ना, पार्टिकल मूव कर रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी स्पीड से, 9 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, माइनस साइन ये तो शो कर रहा है, बताया था मैंने, नेगेटिव आएगा तो इस तरफ मूव कर रहा है और पॉजिटिव आएगा तो प्लस एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो दो क्वेश्चन हो गए, वैल्यू भी आ गई डायरेक्शन भी चल गई पता वेलोसिटी की। अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, इनिशियल एक्सीलरेशन क्या आएगा, तो अगर हम बात करें इनिशियल एक्सीलरेशन की, ये सी पार्ट है, तो इनिशियल का मतलब होता है एट टी इक्वल टू जीरो, इसको बोलते हैं इनिशियल, जब टाइम क्या होता है जीरो होता है तो उसको बोला जाता है इनिशियल, तो एक कितना आ जाएगा इस समय, सिक्स आ जाएगा, अगर यहां पुट कर देते हैं तो फ्रॉम सेकेंड, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आई होप आपको समझ में आया पहला क्वेश्चन, तो चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं वैसे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिख दिया है मैंने, टी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, जहां पर अल्फा और बीटा क्या है कॉन्स्टेंट है, अल्फा बीटा सिंबल है ठीक है, ये कॉन्स्टेंट है, टू हो सकता था फोर कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, तो आपको पता करना है रिटार्डेशन का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन कितना है ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन ठीक है भाई, तो आपको पता करना है निगेटिव एक्सेलरेशन कितना आया है, अच्छा ध्यान रहे जो आंसर आएगा अपना उसमें वेलोसिटी आनी चाहिए, यानी वो किसके टर्म्स में आना चाहिए वेलोसिटी के टर्म्स में आना चाहिए, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में वेलोसिटी भी आना चाहिए ठीक है, ऐसे कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे मैंने, ऑप्शन नहीं लिखे हैं, तो उसमें चारों ऑप्शन में वेलोसिटी भी थी इसलिए मैंने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ठीक है, और जैसे टाइप क्वेश्चन था आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब देखते हैं सोल्यूशन क्या है इसका, देखिए भाई t इज इक्वल टू आपको दे रखा है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, क्लियर है, अब हम जानते हैं v इज इक्वल टू क्या होता है dx ओवर dt होता है, और a इज इक्वल टू क्या होता है भाई dv ओवर dt होता है, पर यहां पर x इधर नहीं लिखा हुआ, x लिखा हुआ इस जगह पर, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट है, हल्का सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, अभी तक जैसे हम करते हैं तो वहां पर यहाँ पर x था इधर t होता था, अब की बार हमें ये t दे दिया है बाकी दोनों x दे दिए, हमें चाहिए क्या dx / dt चाहिए है ना, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर एक फर्स्ट मान लीजिए इसको, चलिए तो पहले से dx क्या फर्स्ट मानेंगे, इसे हम डिफरेंस, ये तो याद है आपको, इसको हम बाद में लिख लेंगे दोबारा, इसे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स ठीक है भाई, देखते हैं कैसे होगा ये, dt ओवर dt हो जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी का मतलब होता है डी ओवर डी टी, ऐसे करना है तो डी ओवर डी टी लिखना है, फिर यहाँ पर टी हो जाएगा डी ओवर डी टी लिखना है इधर भी, यहाँ जो लिखा था अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस ये इस तरह से आएगा ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अब देखिए डी टी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा वन, टी पावर वन है ना टी के रिस्पेक्ट में करने से तो वन आ जाएगा, अब इधर देखते हैं क्या आएगा, यहाँ आएगा डी ओवर डी टी अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी टी बीटा एक्स, ये आपका हो जाएगा, अल्फा तो कांस्टेंट है, पावर एक आगे आएगी फिर एक पावर कम हो जाएगी, अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने आपको कहा था एक्स की पावर एन अपॉन में डी एक्स लिखाओ तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, इसमें कोई दोहराई नहीं बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन अगर ये आ जाए d ओवर डी टी एक्स की पावर, देखिए यहां पर वेरिएबल कुछ और हो और नीचे किसी और के रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो,
तो जो आंसर आएगा ये आ जाएगा एन एक्स की पावर एन माइनस वन, तो करना ही है ना, जैसे हम करते आए थे अभी तक। पावर आ गया तो एक पावर कम होती है, लेकिन इसमें एक और चीज करनी पड़ेगी, जो अंदर लिखा हुआ है वो वेरिएबल मैच नहीं करता जिसके रिस्पेक्ट में हमने किया है इसको। तो ये टी है और ये एक्स है, यहाँ पर आपको एक और लिखना पड़ेगा डी एक्स ओवर डी टी। यानी पावर तो सॉल्व कर ली, फिर अंदर वाले के लिए हम टी के रिस्पेक्ट में दोबारा करेंगे। तो इसमें और इसमें ये फर्क है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आता आपका डी एक्स ओवर डी एक्स, कट जाता आपस में, इसलिए इसे लिखा नहीं जाता, करते थे यहाँ पर भी है, पहले पावर सॉल्व होती है फिर अंदर वाला होता है ना। तो याद रखिए, अगर यहाँ पर वेरिएबल कुछ और है यहाँ पर कुछ और है तो ये आंसर आता है, और दोनों ही वेरिएबल सेम है तो फिर सीधे ये आता है। तो अभी देखिए ये टी है और ये एक्स है, तो फर्क है ना। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक बार डी एक्स ओवर डी टी और लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर बीटा, अच्छा ये एक्स ये टी है, तो यहाँ क्या जाएगा भाई, डी एक्स ओवर डी टी, पावर तो आ गया और एक पावर कम होगी तो वन आ गया, एक्स की पावर जीरो तो वन हो जाता है। इस तरह से तो होगा ये वन एक्स की पावर जीरो और डी एक्स ओवर डी टी, तो अंदर लिखा उसको दोबारा करते हैं, तो ये आपके सामने आ गया आंसर। तो भाई क्या आ गया ये, अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन हमको पता ही चल गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो वन इज इक्वल टू क्या है, टू अल्फा एक्स इंटू वी, भाई डी एक्स अपॉन डी टी को तो वी बोलते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी के प्लेस पे लिख दिया मैंने वी, प्लस बीटा इंटू डी एक्स अपॉन डी टी के प्लेस पे लिख दिया वी। तो यहां से अगर हम वी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ठीक है ये वन आ गया। यहां से v इज इक्वल टू क्या जाएगा, ये इंपॉर्टेंट टर्म था जो फॉर्मूला में लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला आपका, इसका हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है इसको क्वेश्चन नंबर चार फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसको और सॉल्व करा तो मैंने v कितना आ गया हमारा, जो v आया वो कितना आ गया भाई, वन अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, ये आ गया अपने पास v, ठीक है अभी ध्यान रखिए वी की वैल्यू। अब अगेन हमें तो ए चाहिए ना, अभी अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी, चलिए फिर करते हैं। तो हम करेंगे डी ओवर डी टी फिर से बोथ साइड, इधर तो वन लिखा हुआ था, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा डी ओवर डी टी टू अल्फा एक्स वी प्लस बीटा इंटू वी, ये तो आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, जीरो आ जाएगा, कॉन्स्टेंट है केवल। अब यहां पर क्या हो जाएगा, टू अल्फा तो आ जाएगा बाहर, डी ओवर डी टी हो जाएगा एक्स इंटू वी, प्लस बीटा आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी, मैं डी अपॉन डी टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखें आप ध्यान से, आपको याद होगा मल्टीप्लिकेशन रूल, दो वेरिएबल है अपने पास तो एक वेरिएबल क्या होता है बाहर आ जाता है। प्रोडक्ट रूल पढ़ाया था मैंने पहले डिफरेंशिएशन में, दो वेरिएबल जब मल्टीप्लाई में आते हैं तो कैसे करना होता है, एक बाहर एक को डिफरेंस, तो एक्स आ जाएगा बाहर, वी करेंगे डिफरेंशिएट, फिर वी आ जाएगा बाहर इसी में से, और फिर एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट, प्लस बीटा, और डी वी अपॉन डी टी क्या होता है एक्सेलरेशन, याद होगा आपको ना, डी वी ओवर डी टी क्या होता है एक्सीलरेशन। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके, आई होप। चलिए यहां कर लेते हैं, जीरो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो इज इक्वल टू आ जाएगा टू अल्फा, अब देखते हैं क्या आ रहा है, एक्स इंटू डी वी अपॉन डी टी को तो ए बोलेंगे, प्लस वी इंटू डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है फिर से वी होता है, तो वी इंटू वी हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी वी के इक्वल तो होता है, इधर क्या था बीटा इंटू एक्सेलरेशन। अब यह क्या हो जाएगा, ये टू अल्फा एक्स इंटू एक्सेलरेशन प्लस टू अल्फा इंटू वी स्क्वायर प्लस बीटा इंटू ए माइनस टू अल्फा, चलिए ऐसा कर लेते हैं, पहले कॉमन ले लेते हैं, ए कॉमन ले लीजिए, तो टू अल्फा एक्स प्लस बीटा इसमें से और इसमें से, और प्लस टू अल्फा
वी स्क्वायर को मैंने अलग लिख दिया है। यहां से देखें तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए इंटू टू अल्फा एक्स प्लस बीटा आ जाएगा आपका माइनस टू अल्फा वी स्क्वायर। यहाँ से a इज इक्वल टू क्या जाएगा, टू अल्फा वी स्क्वायर अपॉन में टू अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब आप ध्यान से देखिए इस इक्वेशन को, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टू अल्फा वी स्क्वायर मल्टीप्लाई वन अपॉन में टू अल्फा एक्स प्लस बीटा, इस तरह से है ना। आपके पास एक्सीलरेशन a 1 अपॉन टू अल्फा एक्स प्लस बीटा किसके इक्वल है, v के इक्वल है। तो अगर यहाँ पर हम देखें a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस टू अल्फा v स्क्वायर मल्टीप्लाई v, तो आंसर आ जाएगा माइनस टू अल्फा v क्यू। माइनस क्या बता रहा है, यह है कार्टेशियन, वैल्यू कितनी आई है इसकी, टू अल्फा v क्यू। तो इस तरह से आंसर आ गया आपका रिटार्डेशन का। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए देखिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या है, x इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर दे रखा है, पार्टिकल x और y दोनों पे एक साथ मूव कर रहा है। तो आपको बताना है एक्सीलरेशन जब आपकी वेलोसिटी जीरो थी, एक्सीलरेशन बताना है जब आपकी वेलोसिटी जीरो थी, तो जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जीरो है उस इंस्टेंट एक्सीलरेशन क्या, ये बताना है आपको। सीधा सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका भी, पहले v निकालते हैं vx, vx का मतलब हो गया वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, तो क्या आ जाएगा, vx का मतलब है वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, और vy का मतलब है वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, इस तरह से। तो dx अपॉन dt क्या आ जाएगा भाई, a इंटू टू टी, ऐसे ही vy क्या आ जाएगा, dy ओवर dt। अब y की वैल्यू देखें यहाँ से, तो क्या आ जाएगा b इंटू टू टी, भाई पावर आ गया तो एक पावर कम हो जाती है। अब जो वेलोसिटी आएगी ना, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अगर उसके x और y दोनों कंपोनेंट दे रखे हो तो उनका स्क्वायर करके ऐड करके रूट निकाल देंगे तो नेट वेलोसिटी निकल आएगी, ये आ गई नेट वेलोसिटी, ठीक है भाई। चल गया पता आपको नेट वेलोसिटी का कितना आएगा, v इक्वल टू आ जाएगा रूट के अंदर a स्क्वायर इंटू फोर टी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू फोर टी स्क्वायर। तो फोर्टी स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट के बाहर निकाल देंगे, तो टूटी आ जाएगा बाहर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो गया आपका वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब निकालते हैं एक्सेलरेशन, तो कितना आ जाएगा, डीवी ओवर डीटी होता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और टू टी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू बच जाएगा सिर्फ, ठीक है। इसको देखिए डिफ्रेंशिएट करेंगे टू बच जाएगा, डीटी अपॉन डीटी वन हो जाएगा। एक्सेलरेशन आपका आ गया ये, एक्सेलरेशन आया है टू रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक्सेलरेशन में टाइम तो आया ही नहीं, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो अगर हम वेलोसिटी जीरो करते भी हैं, किसी टाइम पर वेलोसिटी जीरो रही होगी ना, जिस टाइम पर वेलोसिटी जीरो रहेगी वो टाइम क्या रहेगा, फ्रॉम फर्स्ट देखिए अगर हम, तो फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिलेगा, ए जब जीरो रखेंगे वेलोसिटी के प्लेस पे तो टू इंटू टी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है। तो यहां से टी क्या आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू आएगा जीरो। अब टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन भाई यहां तो टाइम ही नहीं है एक्सेलरेशन में, तो टी रखना ही नहीं है हमको, तो ए की वैल्यू हमेशा ही रहेगी। तो हमसे इस क्वेश्चन में किसी भी इंस्टेंट पूछता है एक्सेलरेशन, आपका आंसर यही होता है, उसमें टाइम आया ही नहीं है, तो 10 सेकंड पे पूछा तब भी एक्सेलरेशन ही रहेगा, जब वेलोसिटी जीरो है तब भी एक्सेलरेशन यही रहेगा, मतलब इसके एक्सेलरेशन में कोई चेंज ही नहीं आया क्योंकि वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, वो कांस्टेंट आ रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसलिए वो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता। तो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए पूछा है व्हेन वेलोसिटी इज जीरो,
तो वेलोसिटी जीरो कब होगी, वो टाइम निकालिए, अगर इसमें टाइम आता तो हम टाइम पुट कर देते, पर टाइम आया ही नहीं, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू यही हो जाएगी, अब इसमें टाइम पुट करने की जरूरत नहीं। तो ये था आज के 3 क्वेश्चन, ये IIT JEE और NEET के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही।